तो इस सकुलेंट कैक्टस सकुलेंट को रूट्स आ चुके हैं। अब मैं इसकी सॉइल थोड़ी सी ज़्यादा पोरस हो, इसलिए इस सॉइल में ये जो ईंटों का चूरा होता है वो डालूँगा, और इसकी ज़्यादा सॉइल कम करके ये ईंटों का चूरा और ये थोड़ी सी रेत है इसे मिक्स कर दूँगा। और इसमें थोड़े से पत्थर डाल दूंगा जो पोरोसिटी के लिए अच्छे होते हैं। और इसके ऊपर डालूंगा ये थोड़ी सी सैंड, और इसे मिक्स करूंगा इसके साथ। ताकि रूट्स अच्छे से डेवलप हों नीचे तक।